हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं नोटबुक पेन उठा लीजिए दोस्तों और इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए और करंट अफेयर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। तो बोलो वाके बिहारी लाल की जय। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे नहीं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का श्वेता अरविंद ठाकुर, प्रकाश, आलोक, राहुल, कन्हैया, आशीष, विकास, निखिलेश, अतुल, सभी का स्वागत है। हो जाओ तैयार दोस्तों, सभी साथियों को जोड़ लेना, आज की क्लास का पूरी शिद्दत से आनंद उठाना और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। मुकाबला टक्कर का होने वाला है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तो आइए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का 1 जून 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। डिज्जे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सजग पोत को किया कमीशन। यास चक्रवात से तबाह हुआ देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र। दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में P4G समिट 2021 हुई संपन्न। आज मनाया जाएगा विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। नोवाक जोकोविक ने जीता बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब। असम सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। कोविड-19 के कारण भारत में लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा के अनावरण समारोह हुआ स्थगित। चीन ने 2-child पॉलिसी में बदलाव कर 3-child पॉलिसी को किया लागू। माली में फिर से सैन्य तख्ता पलट, सेना ने अंतिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को किया रिहा। और इसी के साथ में आज का मोटिवेशनल कोट। और उससे पहले दोस्तों, चीन डर चुका है किससे? भारत से डर चुका है। चीन ने भी अपनी पॉलिसी चेंज की है, 2-child पॉलिसी से चीन आ चुका है 3-child पॉलिसी। अब होगा मुकाबला टक्कर का दोस्तों। चीन को समझ में आ चुका है भारत वाले रुकने वाले नहीं है, लॉकडाउन का समय, भारत पूरी शिद्दत से दोस्तों मेहनत कर रहा है, तो चीन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। तो आइए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था हमारा दौर आएगा। सुन ले पड़ोसी, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तेरा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा। क्या? हमारा दौर आएगा और खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा, उस दिन उसके माँ बाप का सर सबसे ऊंचा होगा, उसके मां बाप का सपना पूरा होगा और हम मिलकर करके दिखलाएंगे। तुम हार मत मानना, छोड़ दो दोस्तों अपने सारे सुखों को, नींद को छोड़ दो। ये समय है इतिहास रचने का, जब शेर एक कदम पीछे लेता है ना, झपट्टा मारने के लिए लेता है। तो स्वागत है बिल्कुल आपका, मिथुन, रितेश, उमेश, सुहानी, मोना, दिव्या, सभी का स्वागत है। गोलियों की तरह बरसात करने वाला हूं सवालों की, तैयार हो जाओ। ये लीजिए आज का पहला सवाल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया, इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? पहली बात तो इसका नाम क्या है? सजग दोस्तों। क्या सजग? इसका मतलब ही क्या है दोस्तों? मतलब जो निगरानी रखेगा दोस्तों, मतलब कि तट की सुरक्षा के लिए दोस्तों निर्माण किया गया, इसे कहते हैं दोस्तों अपतटीय गश्ती पोत। क्या बोलते हैं? अपतटीय गश्ती पोत। इसको इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफशोर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। क्या बोलेंगे? ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसे कहा जाता है ओपीवी। तो अगर आपसे पूछे नया दोस्तों अपतटीय गश्ती जहाज, उसका नाम है दोस्तों सजग। इसका निर्माण कहां पर हुआ? गोवा शिपयार्ड
लिमिटेड। कहां हुआ दोस्तों? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यहां पर इसका निर्माण हुआ। और किसने इसको शामिल किया? अजीत ढोवाल दोस्तों। किसने? अजीत ढोवाल। ये वही इंसान है जिसका नाम सुन के दोस्तों पसीना छूटता है किसको? पाकिस्तान को, नल्ला को। ये है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अगर आपसे पूछ ले सजग को दोस्तों किसने शामिल किया? अजीत ढोवाल ने किया। सजग का निर्माण कहां हुआ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। और अगर आपसे पूछे सजग क्या है, तो दोस्तों एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, अपतटीय गश्ती पोत है, जो कि दोस्तों तटों पर सुरक्षा करने के लिए तैनात हुआ। तो अगर आपसे पूछे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फोटो देखिए दोस्तों, ये अजीत ढोवाल, नल्ला पाकिस्तान का दोस्तों पसीना छुड़ाने वाला अजीत ढोवाल। और दोस्तों ये आपका, आपके सामने है आपके सजग अपतटीय गश्ती पोत। ऑप्शन देखिएगा, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को मार्च 2021 में कहां से नेवी के बेड़े में शामिल किया गया? इससे पहले दोस्तों वज्र को शामिल किया गया था चेन्नई से। कहां से? चेन्नई से दोस्तों वज्र को शामिल किया गया। और कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, राज करेगा राजपूत दोस्तों, आईएनएस राजपूत को डीकमीशन किया गया। तो नोट करना दोस्तों, भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर जिसे डीकमीशन किया गया, आईएनएस राजपूत। 1980 से 41 साल हो गए दोस्तों सेवा देते हुए, 1980 से सेवा दे रहा है, 41 साल दोस्तों सेवा दी है। और इसका निर्माण कहां पर हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। और इसका दोस्तों टाइटल क्या था? राज करेगा राजपूत इसका टाइटल था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सामने वो स्थान है जहां पर जहाजों को तोड़ा जाता है, और दोस्तों उस स्थान का नाम है अलंग। कहां है? अलंग। और अलंग कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अब देखिए, आपने ये दो नाम सुने होंगे दोस्तों, गोल्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, ये बड़ी बार पेपर में पूछा है कहां स्थित है। अरे याद थोड़ी करना है दोस्तों, ईडन गार्डन कहां स्थित है? कलकत्ता के अंदर स्थित है। तो भाई साहब, गोल्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड ये भी ध्यान रखना कलकत्ता के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कलकत्ता। और मझगाम डॉक लिमिटेड ये दोस्तों मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पर? मुंबई। तो गोल्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों नोट करो कलकत्ता, मझगाम डॉक लिमिटेड ये दोस्तों आपके मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, ये थोड़ा भारी सवाल है। क्या? थोड़ा भारी सवाल है, इसलिए ढंग से सुनना। पीएम केयर्स फंड दोस्तों, उससे संबंधित जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब होती है? पहली बात तो दोस्तों, ये जो पीएम केयर्स है, पीएम केयर्स फंड, इसकी स्थापना कब होती है? 27 मार्च 2020 को होती है। तो पहला क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को ही, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, पीएम केयर्स फंड कोरोना के लिए नहीं बनाया गया, इसकी फुल फॉर्म को ढंग से नोट करना, समझ जाओगे। देखो दोस्तों, सी का मतलब होता है सिटीजन। क्या होता है? सी का मतलब हो गया सिटीजन। ए का मतलब होता है असिस्टेंस। क्या होता है? असिस्टेंस। आर का मतलब होता है दोस्तों रिलीफ। क्या है? रिलीफ। इन इमरजेंसी सिचुएशन, इसको समझ लो रसगुल्लो, ये किसके लिए बनाया गया है? आपातकालीन दोस्तों स्थिति के लिए बनाया गया। किसके लिए? आपातकालीन स्थिति। और इसमें दोस्तों क्या दिया जाएगा? नागरिकों को सहायता मिलेगी और साथ में दोस्तों राहत मिलेगी। तो ध्यान रखना, हर आपातकालीन स्थिति, अभी दोस्तों कौन सी है? कोविड 19 है, लेकिन हर आपात
आपातकालीन स्थिति में दोस्तों नोट करना, आपको नागरिकों को सहायता मिलेगी और साथ में दोस्तों राहत दी जाएगी। किसके अंदर? पीएम केयर्स फंड के अंदर। दोस्तों इसकी जो पीएम केयर्स फंड की जो साइट है ना, उस पे 27 मार्च लिखा हुआ है ना, वैसे 28 मार्च चलता है सब्जी का, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल साइट पर 27 मार्च लिखा है, इसलिए मैंने भी दोस्तों यहां पर 27 मार्च लिख दिया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट, ये पीएम केयर्स फंड जो ट्रस्ट है इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन होगा? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। फिर आप पूछोगे अभी क्या किया गया है दोस्तों, अभी जो है वो बच्चों के लिए क्या पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्टार्ट किया गया, मतलब जो कोविड-19 से दोस्तों जो अनाथ हो गए बच्चे, क्या कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए दोस्तों उनके लिए स्टार्ट किया गया है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। और भाई साहब इसमें जब वो बच्चे 23 साल तक होंगे दोस्तों, 23 साल की उम्र में आएंगे वो बच्चे, तो उन्हें 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से दोस्तों बच्चों को 10 लाख रुपए तक का फंड मिलेगा, उन्हें दोस्तों एजुकेशन फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, रहने का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर पूछे पीएम केयर्स फंड मार्च 2020 में दोस्तों स्टार्ट किया गया, अभी हाल ही में इसी फंड से दोस्तों जो अनाथ हुए बच्चे थे ना उनके लिए दोस्तों सहायता का प्रबंधन किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ राज्यों द्वारा योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, वो मैंने सब दोस्तों एक साथ नोट कर दी। प्रधान सीएम कोविड बाल कल्याण योजना ये स्टार्ट की है महादेव की नगरी मध्य प्रदेश में, और इसमें जो अनाथ हुए बच्चे दोस्तों उन्हें कितना 5000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलने वाली है। वहीं दोस्तों महतारी दुलार योजना किसने स्टार्ट की थी? छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी महतारी दुलार योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों, और नोट करना 3000 रुपए प्रति महीना इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सारी योजनाएं दोस्तों जो अनाथ हुए बच्चों के लिए है, सबकी सब मैंने एक साथ नोट करी। पहली योजना सीएम कोविड बाल कल्याण योजना, वो दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा होती है। अगला महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों दो और बड़ी महत्वपूर्ण योजना, पहली का नाम लिखना मिशन हौसला। क्या? मिशन हौसला उत्तराखंड के अंदर पुलिस के द्वारा दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला स्टार्ट किया गया। और याद करो कोविड-19 का जो मरीज है दोस्तों उसे अपने घर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये था मिशन हौसला। और कोविड फतेह, ये दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा गांवों को वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना कि अगर तुम वैक्सीनेशन कराओगे तो हम तुम्हें विकास के लिए कुछ पैसा देंगे, तो वो है दोस्तों कोविड फतेह। अब तुम बता दो संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट हुई? कौन सी संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो संजीवनी परियोजना, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 3, बीते दिनों चर्चा में रहा भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भाई साहब भीतरकणिका, पहली बात तो ये उड़ीसा राज्य में, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करना दोस्तों। देखो भीतरकणिका पहली बात तो कहां पर स्थित है? ये भीतरकणिका नेशनल पार्क दोस्तों उड़ीसा के अंदर है, और जिला कौन सा है? केंद्रपाड़ा। कौन सा जिला है? केंद्रपाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो भीतर प्लस कणिका, क्या
भीतर प्लस कणिका, भीतर का मतलब है दोस्तों अंदर की तरफ, क्या आंतरिक है, और कणिका का मतलब होता है दोस्तों सुंदरता, क्या होता है सुंदरता। अगला क्वेश्चन है, भीतर कणिका किस जिले में है, तो नोट करना उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। किसके लिए, मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है, और इसके साथ में दोस्तों खारे पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है। क्या, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए दोस्तों फेमस है कौन सा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात फोटो देखिएगा मेरे साथ में, आइए दोस्तों ये आपके सामने भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जो किसके लिए, एक तो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए फेमस है, और साथ में दोस्तों किसके लिए फेमस है, मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव जो वन होते हैं ना, ये दोस्तों तटों पर स्थित होते हैं, और जो सुनामी की जो लहर आती है उन्हें रोकने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक चक्रवात आया, उसका नाम था यास। क्या नाम था, यास। उसने दोस्तों इस भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मैंग्रोव वनों को तबाह कर दिया। क्या, तबाह कर दिया दोस्तों। ये फोटो देख लीजिए, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की फोटो है, और दोस्तों ये यास चक्रवात है। कौन सा है, यास चक्रवात है, तो नोट करना। ये दोस्तों भीतरकनिका जो है इसको तबाह किसने कर दिया, इसको तबाह कर दिया यास चक्रवात ने। किसने, यास चक्रवात ने। और ये यास चक्रवात कौन से बंदरगाह पर टकराया दोस्तों, धमारा, लिख लो ये किस पर टकराया था, ये दोस्तों धमारा बंदरगाह जो है उस पर टकराया उड़ीसा के अंदर। अब यास क्या है, कौन कौन से चक्रवात आए थे, उन सभी का निपटारा हम करने वाले। तो आंसर हो गया इसका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। आइए मेरे साथ में लेकर चलूं दोस्तों आपको, सबसे पहली बात तो ये भीतरकनिका स्थित है, और इसी के पास में सिमलीपाल, याद करो दोस्तों उड़ीसा में दो नेशनल पार्क, एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब देखिए आपके सामने चक्रवात तौ काते, पहली बात तो दोस्तों यास जो है, कौन सा, यास। ये नाम किसने दिया, ओमान ने दिया था, और याद करो कहां पर आया दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहां आया, बंगाल की खाड़ी में आया यास चक्रवात। तौ काते कहां आया था, अरे रसगुल्लो अरब सागर में आया था तौ काते, और किसको दोस्तों नाम किसने दिया था, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। मतलब क्या था दोस्तों, इसका मतलब था आवाज करने वाली छिपकली। क्या, आवाज करने वाली छिपकली दोस्तों इसका अर्थ था। चक्रवात निसर्ग दोस्तों ये नाम दिया था बांग्लादेश ने, कब आया था, सन 2020 में आया दोस्तों। कौन सा, निसर्ग चक्रवात बांग्लादेश ने नाम दिया और सन 2020 में आया। अम्फान दोस्तों ये नाम दिया था थाईलैंड ने, किसने दिया, थाईलैंड ने दिया, और ये सन 2020 में आया। तो चार चक्रवात मैंने आपको लिखा दिए, पेपर में पूछ ले तो भाई साहब खोपड़ी में छेद कर देना। पहला यास चक्रवात, नाम किसने दिया, ओमान ने दिया दोस्तों। तौ काते चक्रवात, नाम दिया म्यांमार ने। तीसरा दोस्तों निसर्ग चक्रवात, नाम दिया बांग्लादेश ने, और अम्फान चक्रवात नाम दिया थाईलैंड ने। चारों की चारों को नोट कर लो, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 30 मई 2021 को दो दिवसीय P4G समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। ये दोस्तों देश है साउथ कोरिया, कौन सा है, दक्षिण कोरिया। इसकी अध्यक्षता में एक समिट होती है, उसका नाम है P4G। क्या है, P4G। अब आप कहोगे ये P4G क्या है दोस्तों, तो अभी समझाता हूं आपको P4G का मतलब क्या है। सभी साथियों को जोड़ लो दोस्तों, अम्फान हो गया, या फिर निसर्ग हो गया, या फिर दोस्तों यास हो गया, या फिर आपका कौन सा हो गया, या दोस्तों तौ काते, सबकी सब साइक्लोन है, चक्रवात है, निम्न वायु दाब के केंद्र में आते हैं, इनके आने पर दोस्तों बारिश होती है। अब सुनना, दक्षिण कोरिया में
में दोस्तों एक बैठक होती है जिसका नाम है P4G। कौन सी है? P4G। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल। यहां पर 4 G है। कितने जी है दोस्तों? 4 G। नाम सुनना, एक का नाम है ग्रीन, एक का नाम ग्रोथ है, एक का नाम ग्लोबल है, एक का नाम गोल है। तो P4G समिट दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुई? साउथ कोरिया की अध्यक्षता में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में सरकार और दोस्तों निजी के बीच में भागीदारी को बढ़ाना। तो नोट करना, उद्देश्य सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ाना। कहां पर दोस्तों? विकासशील देश के अंदर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर विकासशील देश में ये सरकारी निजी भागीदारी क्यों बढ़ाएंगे? तो लिख लो, स्वच्छ ऊर्जा के लिए दोस्तों, और साथ में हरित ऊर्जा के लिए। कैसी ऊर्जा? जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि साउथ कोरिया के अंदर एक समिट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सन 2018 में हुई थी, इससे पहले पहली बार अब दोस्तों अब हुई है सन 2021 में साउथ कोरिया के अंदर। समिट का नाम है P4G। इसमें दोस्तों अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सरकारी और निजी भागीदारी विकासशील देशों में बढ़ सके। उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो कहां पर होगी समिट? ये दोस्तों साउथ कोरिया की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले सन 2018 में दोस्तों, कब? इससे पहले नोट करना, सन 2018 में हुई थी दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले ये कहां पर हुई थी? कोपेनहेगन के अंदर। कहां? सन 2018 में कोपेनहेगन में दोस्तों ये बैठक हुई थी। कौन कौन बताएगा कोपेनहेगन जो है वो किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। ऑपरेशन संजीवनी नोट करना दोस्तों। संजीवनी परियोजना किस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई? हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार। अब बताओ कमेंट बॉक्स में कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? लल्लन टॉप क्वेश्चन देखिएगा। COP फर्स्ट दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसके द्वारा होती है? UNFCCC। याद करो फटाफट, 1994 में दोस्तों स्थापना होती है इसकी। और मैंने कहा इसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट होती है 1995 में। कहां होती है? बर्लिन के अंदर। और बर्लिन दोस्तों कहां स्थित है? जर्मनी के अंदर। पिछले वाला COP25 2019 में दोस्तों कहां हुआ था? मैड्रिड के अंदर हुआ था। और मैड्रिड कहां पर है? स्पेन के अंदर। और COP26 दोस्तों सन 2021 में कहां पर होगा? तो लिख लो, ग्लासगो के अंदर होगा COP26। तीनों को नोट कर लो तुम तो, और लिख लो। क्या लिख लो? छपेगा। क्या लिख लो दोस्तों? छपेगा COP1 बर्लिन के अंदर, COP25 मैड्रिड के अंदर, और COP26 दोस्तों ग्लासगो के अंदर सन 2021 में होने वाला है। एक क्वेश्चन का जवाब दो प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए COP13 का आयोजन सन 2020 में कहां पर किया गया? क्या कहां पर किया गया? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इतिहास पलटने वाले हो। क्या पलटने वाले हो? मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है दोस्तों सफलता। तो मेहनत कीजिएगा। और बताओ मुझे कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क। किसकी दोस्तों? नोट करना, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
कोप 13 प्रवासी पक्षियों से संबंधित था। इसका आयोजन 2020 में गुजरात में हुआ। कहां हुआ? गुजरात में। और इसका शुभंकर क्या था? अरे गोंडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राजकीय पक्षी। आगे बढ़िएगा, अगर आपसे पूछे साउथ कोरिया कहां स्थित है, तो देखो ये तो दोस्तों अपना इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, यहां पर स्थित है साउथ कोरिया। बड़ा करूं, ये देखो दोस्तों जूम कर दिया आपके सामने, ये ऊपर की तरफ कौन है? अरे पागल सुल्तान दोस्तों, नॉर्थ कोरिया। कौन है? नॉर्थ कोरिया है। और नीचे की साइड कौन है? ये दोस्तों साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा है, तो नोट करना 38 डिग्री अक्षांश। कौन सी है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। स्टार लगा लो। अगर पूछ ले 49 डिग्री किसको अलग करती है? अमेरिका कनाडा। नोट करना दोस्तों 49 डिग्री अमेरिका कनाडा। 8 डिग्री दोस्तों लिख लो मालदीव मिनी कोय। क्या? मालदीव मिनी कोय दोस्तों 8 डिग्री। 9 डिग्री पूछ ले आपसे तो नोट करना 9 डिग्री दोस्तों मिनी कोय और कवरती। क्या? मिनी कोय और कवरती के बीच में 9 डिग्री। 10 डिग्री दोस्तों अंडमान और निकोबार। किसको? अंडमान और निकोबार 10 डिग्री। अरे तुम तो मेहनत करो। क्या? तुम तो मेहनत करो, छाप लो सारी चीजें। 49 डिग्री अमेरिका कनाडा, 8 डिग्री मालदीव मिनिकोय, 9 डिग्री मिनिकोय कवरती, और दोस्तों 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। और पूछ ले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, तो दोस्तों नोट करना ये करती है 38 डिग्री चैनल करता है। आगे बढ़िएगा, आइए दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है। क्या है? सियोल। और फटाफट बताओ अभी हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे देने की घोषणा हुई है सियोल शांति पुरस्कार? थॉमस बोक। नोट कर लो ये क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले सन 2020 का सियोल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है, थॉमस बोक को दोस्तों देने की घोषणा हुई है। और थॉमस बोक याद करो किसके दोस्तों अध्यक्ष है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों थॉमस बोक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बोक। और दोस्तों इन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई। तो सभी साथियों को एक बार शेयर कर दो दोस्तों, अपने जितने भी साथी हैं ना उन्हें शेयर कर दो, जिससे मेरी टीम को तसल्ली मिल जाए। बार बार मुझे ना दिखाएं कि सर शेयर करने के लिए बोल दो, तुम खुद कमेंट बॉक्स में बोल दो कि सभी साथी शेयर करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मैं यहां पर तांडव कराता हूं, तुम दोस्तों वहां पर शेयर कराओ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस है। हाँ रसगुल्लो आ जाओ, वर्ल्ड मिल्क डे। ये भी दोस्तों तबाही मचाने वाला प्रश्न है। क्या? तबाही मचाएगा। देखना वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं दोस्तों? पहली बात तो बनाते हैं 1 जून को। क्या दोस्तों? वर्ल्ड मिल्क डे। दूध पी के क्या आता है? जुनून आता है। क्या आता है? जुनून दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को बनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ सन 2001 से। कब से? सन 2001 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे किसके द्वारा बनाया जाता है, तो लिख लेना FAO। इस संस्था के बारे में सुना होगा आपने दोस्तों, नोट करना खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या नाम है? खाद्य एवं कृषि संगठन। ये इसकी फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों FAO के बारे में कि इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और याद कीजिए 75 वर्ष पूरे होने पर भारत
सरकार के द्वारा दोस्तों 75 रुपये का सिक्का किसकी याद में जारी किया गया? FAO की याद में जारी किया गया। अगर आपसे पूछ ले कब से स्टार्ट हुआ, सन 2001 से, कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं। इस बार की थीम क्या है दोस्तों? तो इस बार की थीम नोट कीजिएगा, इस बार की जो थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। क्या है दोस्तों? इस बार की थीम है सस्टेनेबिलिटी। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में बोल दूंगा ना। इस बार की थीम है सस्टेनेबिलिटी। क्या है दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर। क्या दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, मतलब कि दोस्तों जो दुग्ध क्षेत्र है, कौन सा? जो दुग्ध क्षेत्र है इसके अंदर दुग्ध क्षेत्र में दोस्तों स्थिरता लाना, ये इसका उद्देश्य है, ये इस बार की थीम है। आगे बढ़िएगा, वर्गीज कुरियन, याद करो दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे कब बनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, 26 नवंबर। 26 नवंबर को दोस्तों और कौन सा दिवस बनाते हैं? संविधान दिवस। छाप लो, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस बनाया जाता है। और याद कीजिए दोस्तों, क्यों बनाते 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे? वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। किसके? वर्गीज कुरियन। और इन्होंने दोस्तों कौन सी क्रांति स्टार्ट की थी? तो लिख लेना दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड। क्या स्टार्ट किया था? ऑपरेशन फ्लड, जिसे तुम दोस्तों श्वेत क्रांति कहते हो, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हो। और अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या दोस्तों? अमूल, वर्गीज कुरियन, अमूल, ध्यान रखना, ये कहां स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर दोस्तों? आनंद गुजरात में स्थित है अमूल कंपनी। तो पहला क्वेश्चन, 26 नवंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। दूसरा क्वेश्चन, क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोस्तों वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस है 26 नवंबर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इन्होंने कौन सी क्रांति लाए थे? श्वेत क्रांति लाए थे या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाए थे? अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमूल कंपनी कहां पर है? आनंद गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये लो जून के महत्वपूर्ण दिवस, छाप लो, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को बनाते हैं दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। कौन कौन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, 5 जून 1972 को किस संस्था की स्थापना हुई थी? क्या किस संस्था की स्थापना 5 जून 1972 को की गई? विश्व समुद्र दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 8 जून। कब बनाते हैं? 8 जून को। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ये सीधा सीधा NTPC में पूछा गया था, 17 जून। लिख लो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ये बनाते हैं 17 जून को। अगला योगा दिवस दोस्तों 21 जून को बनाएंगे। और विश्व एस्ट्रॉइड दिवस या फिर दोस्तों ध्यान रखना क्षुद्र ग्रह दिवस, ये बनाएंगे 30 जून। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, समुद्र दिवस 8 जून को, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को, योगा दिवस 21 जून को और एस्ट्रॉइड डे 30 जून को। और लिख लेना 5 जून 1972 को केन्या नैरोबी में दोस्तों UNEP की स्थापना हुई थी। क्या दोस्तों? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कहां पर हुई थी? नैरोबी केन्या में हुई थी, इसीलिए 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया? तो फटाफट दोस्तों, फटाफट भाई साहब, 50,000 तो फटाफट करो मेरी जान, है ना, फटाफट करो, एक बार शेयर मार दो
और आ जाओ। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? पहली बात तो ये बेलग्रेड कहां पर है? सर्बिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है। किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। किसके दोस्तों? डैन्यूब नदी। और एक बड़ा खतरनाक सवाल बताऊं, डैन्यूब नदी को दोस्तों कहते हैं हरित नदी। कौन सी? ग्रीन रिवर। लिख लो, डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर कहते हैं। और इसी के किनारे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड स्थित है। और दोस्तों टेनिस का जो बेलग्रेड ओपन 2021 है, ये जीता नोवाक जोकोविक। और कमाल की बात है, नोवाक जोकोविक दोस्तों ये किस देश के हैं? ये भी सर्बिया के। कहां के? सर्बिया। तो नोट करना, खुद नोवाक जोकोविक कहां के दोस्तों? ये भी सर्बिया के हैं। और दोस्तों बेलग्रेड ओपन को किसने जीता? वो भी दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता। अगर आपसे पूछ ले इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। राफेल नडाल स्पेन के। कहां के दोस्तों? राफेल नडाल है स्पेन के। रोजर फेडरर, नोट करना दोस्तों ये कहां के, तो नोट करना स्विट्जरलैंड। कहां के? स्विट्जरलैंड। किसके नाम का सिक्का स्विट्जरलैंड ने स्टार्ट किया? तो रोजर फेडरर के नाम का सिक्का स्टार्ट किया। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि नोवाक जोकोविक के बाद में अभी हाल ही में इटालियन ओपन हुआ है, ये किसने जीता? राफेल नडाल। किसने जीता? राफेल नडाल। और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? द किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? ये कहते हैं दोस्तों राफेल नडाल। क्ले कोर्ट का वाशा कहां का रहने वाला है? स्पेन का रहने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, मैं तो पहले ही कह चुका हूं तुमसे, इस सवाल को छाप लेना, कहीं ना कहीं दोस्तों ये सवाल टपकेगा। क्या? सीधा टपकेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और महिला वर्ग का खिताब दोस्तों ये नोट कीजिएगा, किसने जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका। किसने? नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका दोस्तों कहां की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। कुछ दिनों पहले ही तो दोस्तों लॉरियस अवार्ड दिए गए थे स्पोर्ट्स के, याद करो, इसको भी छाप लो, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। और याद करो दोस्तों पुरुष वर्ग में किसको मिला था? ये मिला था राफेल नडाल। किसको मिला? राफेल नडाल। और महिला वर्ग में दोस्तों नाओमी ओसाका। किसको मिला? नाओमी ओसाका को दिया गया लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इस क्वेश्चन को भी आप छाप के रखना, इस क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक सवाल तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आ सकता है दोस्तों, नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविक, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड आ सकता है दोस्तों राफेल नडाल और नाओमी ओसाका, या फिर इटालियन ओपन राफेल नडाल दोस्तों, या फिर बेलग्रेड ओपन ये दोस्तों नोवाक जोकोविक। अगर कुछ भी नहीं आया तो बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? छाप देना आपके, डैन्यूब नदी के किनारे दोस्तों बेलग्रेड स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में इस क्वेश्चन में देखना दोस्तों, असम का सूपड़ा साफ। क्या? असम का सूपड़ा साफ होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अपना पेन दोस्तों, पेन कॉपी हाथ में रख लो, इतने क्वेश्चन में लिखाऊंगा आपको इस सवाल के अंदर, धुआं धुआं उठेगा। क्या? धुआं उठेगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? पहली बात तो इसका आंसर है असम। किसने की है? असम ने की है। क्यों की है दोस्तों? वही COVID-19 जो में अनाथ हुए जो बच्चे थे दोस्तों, उन अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। कितना रुपया मिलेगा इसमें?
3500 रुपया दोस्तों प्रति महीना पेंशन दी जाएगी किसके अंदर, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के अंदर। तो नोट करना ऑप्शन नंबर बी असम इसका एकदम सही आंसर है। क्या असम? तो असम ने स्टार्ट की है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। कितना रुपया मिलेगा? 3500 रुपया दोस्तों इस योजना में मिलने वाला है। अगर आपसे अब मैं पूछ लूं, क्या अब मैं पूछूं, आ जाओ दोस्तों असम चलते हैं। कहां? असम चलते हैं और ये देखो असम में दोस्तों असम का सुपड़ा साफ। दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? लिखना हिमंत बिस्वा सरमा, इसने शपथ ली है दोस्तों हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में। किसने शपथ दिलाई कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या किसने शपथ दिलाई ये आप बताओगे? राज्यपाल ने दिलाई है और राज्यपाल का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में छाप दो। हाल ही में कहां पर मंदारिन बतक देखने को मिली? याद करो दोस्तों मंदारिन बतक 120 साल बाद देखी गई थी डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। कहां पर? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अरे लिख लो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम के अंदर। दोस्तों कितने सालों बाद, 120 सालों बाद कौन सा बतख देखा गया? मंदारिन बतख। और तुम्हें याद है पुरुष वाला दोस्तों मंदारिन बतख अधिक सुंदर था महिला वालों की तुलना में। अरे रसगुल्लो याद है क्या? पक्का याद होगा। तो राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल है कहां के? असम के। अगला क्वेश्चन, नामी नेशनल पार्क दोस्तों ये असम के अंदर, कहां पर है? असम के अंदर है नामेरी नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क दोस्तों ये भी असम के अंदर है ओरांग नेशनल पार्क। डिगबोई दोस्तों याद करो कि भारत में पहला तेल का कुआ, क्या भारत का पहला तेल का कुआ कहां खोजा गया? असम के अंदर डिगबोई में खोजा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क याद है क्या आपको दोस्तों? अरे याद होना चाहिए, एक सींग वाला गैंडा। कौन? एक सींग वाला गैंडा दोस्तों कहां मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। ये कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है। सत्रिया नृत्य दोस्तों याद कीजिएगा, असम का क्लासिकल डांस था सत्रिय नृत्य। कौन सा? असम का क्लासिकल डांस। भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? ये भी सत्रिय। यही नोट कर लो, भारत का नवीनतम, क्या भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों सत्रिय। इंडिया में कल कुल कितने क्लासिकल डांस है दोस्तों? 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के अंदर। अंबुबाची का मेला याद करो दोस्तों, ऐसे थोड़ी पसीना बाया, क्या ऐसे ही नहीं बाया दोस्तों अंबुबाची का मेला। पूरी कहानी याद करवाई थी कि असम में कामाख्या माता का मंदिर है। दोस्तों ऐसे थोड़ी है, अब समझ में आएगा तुम्हें, कामाख्या माता का मंदिर दोस्तों असम के अंदर है और वहीं पर अंबुबाची का मेला लगता है। क्या दोस्तों? असम के कामाख्या माता के मंदिर में दोस्तों अंबुबाची का मेला, योनि की पूजा होती है दोस्तों। याद करो योनि की पूजा होती है, शक्ति पीठ है कामाख्या माता मंदिर। अगर मेहनत पसंद आए ना दोस्तों तो शेयर जरूर करना मेरी बात को, पहुंचा देना उन तक जो सच में मां बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। पसीना तो बहाना पड़ेगा, मिलकर बहाएंगे, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, तेजपुर लीची का जीआई टैग असम के हाथ में दोस्तों। शाही लीची पूछ ले, शाही लीची दोस्तों तो ये तो बिहार की है। कहां की है? बिहार की। लेकिन अगर पूछे तेजपुर लीची तो ये दोस्तों जीआई टैग असम के हाथ में। जीआई टैग की बात करो दोस्तों 1999 का अधिनियम है जीआई टैग में। और रसगुल्लो कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए होता है। भारत
भारत का पहला जीआई टैग दोस्तों, जल्दी से याद करो, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसको? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया गोपीनाथ बारदोलाई, आधुनिक असम के संस्थापक। क्या दोस्तों? आधुनिक असम के संस्थापक ये कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हीं के नाम का स्टेडियम दोस्तों कहां स्थित है? लिखना, इन्हीं के नाम का एयरपोर्ट जो है ये दोस्तों गुवाहाटी के अंदर स्थित है, असम के अंदर का गुवाहाटी असम में दोस्तों गोपीनाथ बारदोलाई दोस्तों एयरपोर्ट स्थित है, आधुनिक असम के संस्थापक। अब एक सवाल का जवाब तुम दो मुझे, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, बीते दिनों चर्चा में रही लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? दोस्तों लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों कहां पर स्थापित की जाएगी? बोध गया बिहार के अंदर। बिहार वालों स्वागत नहीं करोगे तो नोट करना, लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों बोध गया बिहार में स्थापित होगी। ये भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। क्या? भारत की सबसे बड़ी दोस्तों भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। पूरे विश्व में कहां पर है दोस्तों? तो पूरे विश्व में तो म्यांमार, इसको भी नोट करना। विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों पूछ ले तो विश्व में तो म्यांमार के अंदर स्थित है। भारत में कहां पर बन गई है? बोध गया के अंदर। फोटो देखिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिए, यह आपके सामने बोध गया में भगवान बुद्ध की दोस्तों लेटी हुई प्रतिमा है। सबसे बड़ी बात कि ये किस स्थिति को दर्शाती है तो लिखना दोस्तों, ये भगवान बुद्ध जब दोस्तों जब परिनिर्माण होने वाला था, जब मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, जन्म के दोस्तों मतलब कि जीवन के जो अंतिम वर्ष है उनको दर्शाती है। क्या? जीवन के अंतिम वर्ष को। अगली बात, ये किधर की ओर लेटी हुई है दोस्तों? दाहिने हाथ की तरफ। किधर की तरफ? दाहिने हाथ की तरफ। दाहिने हाथ की तरफ दोस्तों लेटी हुई, करवट ली हुई प्रतिमा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें तकिया भी है। क्या? हाँ रसगुल्लो, ध्यान रखना, तकिया भी लगा हुआ है दोस्तों इस प्रतिमा के अंदर। क्या? तकिया जो है दोस्तों इसे भी लगाया गया है इस प्रतिमा के अंदर। तो भगवान बुद्ध के लेटी हुई सबसे बड़ी जो प्रतिमा है ये दोस्तों बोध गया के अंदर स्थापित की जाएगी। कहां पर? बोध गया। जन्म कहां हुआ दोस्तों? लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ। और कमाल की बात देखिए, भगवान बुद्ध ने दोस्तों खुद मूर्ति पूजा का विरोध किया है। देखिए कमाल की बात, अब भगवान बुद्ध ने दोस्तों खुद क्या किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया है। किसने? भगवान बुद्ध ने। और दोस्तों उन्हीं की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा बोध गया दोस्तों कहां पर स्थापित होगी? बिहार के अंदर। लेकिन दोस्तों COVID-19 के कारण इसे रोक दिया गया है। आइए क्वेश्चन, महाभी निष्क्रमण दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्रह त्याग दोस्तों, इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दोस्तों जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और दोस्तों बोध गया के अंदर उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे कहते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि कहते हैं दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। तो अगर पूछे घर छोड़ने की जो घटना है उसे दोस्तों कहते हैं महाभी निष्क्रमण। अगला क्वेश्चन आपसे, संबोधि किसे कहते हैं दोस्तों? अगर पूछ ले तो ज्ञान प्राप्ति जो है उसे कहा जाता है संबोधि। अगला क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, बनारस के पास में स्थित है सारनाथ। और महापरिनिर्माण दोस्तों भगवान बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति होती
होती है उसे कहते हैं, जो निधन है दोस्तों, निधन या फिर मोक्ष की प्राप्ति कहां होती है? कुशी नगर के अंदर होती है। कहां? कुशी नगर। और कुशी नगर में ही दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। किसकी? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर बनी दोस्तों? कुशी नगर के अंदर बनती है। अब तुम कोई भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, बौद्ध धर्म तो आएगा ना हिस्ट्री के अंदर, तो भाई साहब बौद्ध धर्म का क्वेश्चन स्वाहा, क्या स्वाहा? जन्म हुआ लुम्बिनी में दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति संबोधि बोध गया के अंदर दोस्तों, ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण, अगर पूछे पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के अंदर, अगला क्वेश्चन दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति महापरिनिर्माण कुशीनगर के अंदर, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर के अंदर, और लिख लो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर। क्या दोस्तों? नोट कीजिएगा, असम की, मैं लिख देता हूं दोस्तों, कहां लिखूं? चलो यहां लिख देता हूं, असम जो है दोस्तों, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों ये थी सैयदा अनवरा तैमूर। कौन? सैयदा अनवरा तैमूर। चीन दोस्तों, नोट करना, अभी एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 10। चीन दोस्तों हमारी ताकत से डर गया। क्या? हमारी ताकत से डर गया। उसको समझ में आ गया कि अगर कुछ दिन नहीं किया ना कुछ भी, तो भारत वाले दोस्तों जनसंख्या में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक बार दोस्तों चीन डर गया। क्या? चीन डर गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया? जब से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, तब से एक देश है माली। कौन सा? माली। इसमें दोस्तों शांति है ही नहीं, है ना? या तो मुझे करंट अफेयर्स छोड़नी पड़ेगी पढ़ाना, या फिर दोस्तों मतलब माली में भाई साहब शांति नहीं है। पिछले वर्ष माली में क्या हुआ था? माली में दोस्तों राष्ट्रपति थे, उनका नाम था इब्राहिम कीता। क्या नाम था? इब्राहिम कीता। तुम्हें याद होगा दोस्तों, इसके कनपट्टी पर बंदूक लगाकर दोस्तों इस्तीफा दिलवा दिया किसने? सेना ने। किसने? सेना ने इस्तीफा दिलवाया दोस्तों। और याद करो किसने दिलवाया था? गुइतो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? असीम गुइतो के द्वारा इस्तीफा दिलवाया गया, जो कि दोस्तों सेना में कर्नल था असीम गुइतो, इसने इस्तीफा दिलवा दिया। फिर दोस्तों वापस से चुनाव हुए, नए राष्ट्रपति बना, नया प्रधानमंत्री बना इस भाई साहब ने। फिर क्या किया है? फिर उन नए राष्ट्रपति को दोस्तों, नए प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, और अब दोस्तों उन्हें वापस से रिहा कर दिया। तो वो देश है माली। कौन सा है? माली देश है दोस्तों। कहां पर स्थित है माली दोस्तों? ध्यान रखना, ये है रसगुल्ला। कौन? ये है दोस्तों आपके सामने असीम गुइतो। कौन? असीम गुइतो, सेना में कर्नल है। माली की लोकेशन दोस्तों ये अफ्रीका है आपका, और इसमें यहां स्थित है माली। माली की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, माली किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था माली। अब दोस्तों अफ्रीका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अफ्रीका में एक नदी है, एक झील है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? याद कीजिएगा, विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। और मैंने तुमसे कहा है दोस्तों कि भूमध्य रेखा किस झील के बीचों बीच में से निकलती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों विक्टोरिया झील के बीचों बीच में से निकलती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? याद करो फटाफट से, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी। नोट करना दोस्तों, कांगो नदी किसको दो बार काटेगी? भूमध्य रेखा को दो बार काटेगी। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी दोस्तों, उसका नाम लिखिएगा, मकर रेखा को
दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे। कौन सी है? लिम्पोपे। तो लिखिएगा लिम्पोपे नदी दोस्तों मकर रेखा को दो बार काटती है। कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? अफ्रीका के अंदर दोस्तों कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कौन सा है? कालाहारी। और इसी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन। कौन सी दोस्तों? बुशमैन जनजाति यहीं पर रहती है। इसके अलावा याद करो पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कहां रहती है दोस्तों? याद कर लो फटाफट से, वो रहती है आपके कांगो के अंदर। कौन सी जनजाति है? पिग्मी। सबसे छोटे कद की जनजाति है दोस्तों और उसका नाम है पिग्मी। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? उसका नाम है दोस्तों अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका नाम है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। अब सवाल को पढ़ो, किस झील के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को दोस्तों कांगो नदी, मकर रेखा को ध्यान रखना लिम्पोपे, और लगे हाथ लिख लो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन सी दोस्तों? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कौन सी? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी। अगला क्वेश्चन है आसवान बांध, लिखना दोस्तों आसवान बांध और नासिर झील। कौन सी झील है? नासिर झील। कहां स्थित है? इजिप्त में स्थित है। इजिप्त का मतलब दोस्तों मिस्र में है। किस नदी का वरदान है? नील नदी का वरदान। किसका? नील नदी का वरदान है इजिप्त या मिस्र। और इसी नदी पर दोस्तों आसवान बांध स्थित है, इसी नदी पर आपके नासिर झील स्थित है। अफ्रीका दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल तुम्हारे सामने दोस्तों ढेर हो चुके हैं। क्या ढेर हो चुके हैं? तुम तो हिम्मत मत छोड़ना। क्या हिम्मत मत छोड़ना? कोई भी पेपर हो 60% से ऊपर इस क्लास से नस्ते नाबूद करके छोड़ूंगा। तुम्हारे माँ बाप से वादा किया है, वादा खिलाफी नहीं करूंगा। तुम मेरा साथ देना दोस्तों, तुम ही मेरी हिम्मत हो। क्या तुम ही मेरी हिम्मत हो? और ये हिम्मत यहां पर तुम्हारे सामने दिखाई देगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, चीन डर गया। क्या चीन डर गया दोस्तों? क्या चीन डर गया है? आइए पढ़ते क्यों डर गया। एक्चुअली में दोस्तों चीन ने टू चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। ये थ्री क्या, ये चार चाइल्ड पॉलिसी पांच कर दे, हम तो दोस्तों पूरी टीम बनाते। क्या पूरी टीम बनाते दोस्तों? इसकी इतनी औकात है क्या? आइए सुनिए दोस्तों कहानी क्या हुई। एक्चुअली में चीन ने दोस्तों 1970 के अंदर, क्या 1970 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। क्या लाया? वन चाइल्ड पॉलिसी 1970 के दशक में लाया। मतलब कि आप एक ही बच्चा कर सकते हो। कितना? एक बच्चा कर सकते हो। ये वाली फोटो देखो दोस्तों, ये पति है, ये पत्नी है और ये दोस्तों उनका बच्चा। मतलब कि आप एक बच्चा कर सकते हो। 1970 के दशक में ये पॉलिसी चीन लेकर आया। फिर दोस्तों इसको समझ में आया कि भारत वाले तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसने कहा ना बाबा ना। इसने दोस्तों सन 2016 में क्या कर दी? अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और इसने कहा अब टू चाइल्ड पॉलिसी होगी। क्या होगी? टू चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कि कितने बच्चे होंगे दोस्तों? दो बच्चे कर सकते हैं। ये किसने कहा? चीन ने वापस कह दिया कि टू चाइल्ड पॉलिसी होगा। फिर भी दोस्तों भारत वाले तो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लॉकडाउन और हो गया, मतलब चीन को दोस्तों खतरा हो गया कि ये भारत वाले तो पीछे छोड़ देंगे। क्या पीछे छोड़ देंगे? अभी दोस्तों क्या हुआ, इसकी जनगणना हुई है। क्या हुई है? जनगणना। ध्यान रखना ये भी दोस्तों 10 वर्षों में ही गिनता है छोटी छोटी आंखों वालों को, है ना। 10 वर्षों में जनगणना होती है
चीन के अंदर। अब जनगणना हुई दोस्तों, कौन सी हुई है, सन 2011 से सन 2021 वाली ये जनगणना हुई। और इस जनगणना की दोस्तों जो आंकड़े आए ना, उसमें चीन की हालत खराब हो गई दोस्तों। चीन के अंदर दशकीय वृद्धि दर पता है आपको कितनी है, तो चीन के अंदर दोस्तों दशकीय जो वृद्धि दर है वो है मात्र दोस्तों, नोट कर लेना, 5.38। कितनी है रसगुल्लो, 5.38% इतनी वृद्धि दर है दोस्तों चीन के अंदर। मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इस 5 की जगह भारत में 15 से कम नहीं होगी। क्या 15 से कम नहीं होगी, इसे कहते हैं जोश। क्या इसे कहते हैं जोश दोस्तों, चीन को पछाड़ने का जोश। क्या चीन की इतनी औकात हमसे आगे निकल जाए, वो भी दोस्तों जनसंख्या के मामले में। चीन की ग्रोथ रेट दोस्तों कितनी है, 5.38% है 10 वर्षों के अंदर। चीन की ये अब तक की सबसे कम दोस्तों ग्रोथ रेट है। क्या अब तक की सबसे कम ग्रोथ रेट, इसकी आंखें दोस्तों बंद होना स्टार्ट हो गई। इसने कहा इस टू चाइल्ड पॉलिसी को हटाओ, कौन सी पॉलिसी लाओ, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आओ। तो भाई साहब इस छोटी छोटी आंखों वालों ने क्या कर दिया, अब कहा है कि 31 मई से, कब से दोस्तों 31 मई से कौन सी पॉलिसी लागू होगी, 31 मई 2021 से 3 चाइल्ड पॉलिसी। कितनी दोस्तों, 3 बच्चे पैदा करो, 3 चाइल्ड पॉलिसी, ये पॉलिसी लागू होगी दोस्तों। इन्हें सोचो, बच्चे पैदा करने के लिए इन्हें पॉलिसी लगानी पड़ती है हमें दोस्तों रोकने के लिए, गजब की बात है ना। इन्हें तो बच्चे पैदा करने के लिए दोस्तों पॉलिसी लगानी पड़ रही है कि चलो 1 से 2 चाइल्ड कर लो। अरे भाई साहब 2 से 3 करो। क्या 2 से 3 करो, यहां दोस्तों नसबंदी करनी पड़ती है। क्या नसबंदी करनी पड़ती है, या फिर दोस्तों कहना पड़ता है एक बच्चा अच्छा, क्या एक बच्चा अच्छा, पति पत्नी का रिश्ता सच्चा। भाई साहब यह है दोस्तों, ध्यान रखना, चीन को उसकी औकात नजर आएगी, बूढ़ों का देश हो रहा है चीन। क्या ये हेडलाइन है दोस्तों, बूढ़ों का देश हो रहा है चीन। खुद चीनी चिंता में है, बूढ़ों का देश हो रहा है चीन। अभी भी दोस्तों इसको भारत की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या भारत की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना भारत की सहायता के अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इसकी जो पॉपुलेशन है ना, वो ध्यान रखना, 1 अरब 41 करोड़ है। कितनी रसगुल्लो, लिख लो, हमारा टारगेट लॉक करना दोस्तों। चीन की पॉपुलेशन कितनी आई है अभी आंकड़ों में 2021 के अनुसार, 1 अरब 41 करोड़ दोस्तों चीन की पॉपुलेशन आई है। अरे रसगुल्लो सुनहरा अवसर है। क्या सुनहरा अवसर है, 1 अरब 41 करोड़ ही है दोस्तों, और भारत की पॉपुलेशन तुमको पता ही है लगभग 136 से 140 के बीच में आने वाली है। क्या भारत की जो पॉपुलेशन है ये 1 अरब 36 करोड़ से दोस्तों 1 अरब 40 करोड़ के बीच में आने वाली है। तू चिंता मत कर, अगली साल तेरी खोपड़ी में छेद होगा। क्या तेरी खोपड़ी में छेद होगा, मात्र दोस्तों कुछ पीछे। क्या कुछ पीछे है रसगुल्लो, मात्र कुछ पीछे। सर आपने योगदान नहीं दिया, अरे भाई साहब हमारे पास कमी है क्या, लॉकडाउन में अच्छा खासा योगदान चल रहा है। तो दोस्तों अब आप पूछोगे सर भारत की स्थिति क्या है, तो नोट करना दोस्तों, भारत की बात करो तो भारत में सन 2001 से और सन 2011 के बीच में दोस्तों, नोट कर लेना, 17.7% वृद्धि हुई है। कितना, 17.7%। और दोस्तों 15% से कम तो अब भी नहीं होगी। क्या 15 से कम तो अब भी नहीं होगी दोस्तों, कितनी हुई है, 17.7% हुई है। आइए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, हां भाई साहब एक काम हो सकता है दोस्तों। क्या एक काम हो सकता है, चीन तो पीछे जाएगा ना, वो तो छोड़ दे चीन दोस्तों, पर चीन ध्यान रखना बूढ़ों का देश है क्या, और हम दोस्तों जवानों का देश है क्या। नोट करना दोस्तों, भारत विश्व में, क्या भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है। क्या सबसे अधिक युवाओं का देश
देश है दोस्तों, भारत। कौन है? भारत। और मैंने कहा चीन है, जापान है, यूरोप है दोस्तों। ये सब कैसे देश है? बूढ़ों का देश है। क्या? बूढ़ों का देश है। अब तुम मुझे बताओ, अगर जंग छिड़ गई, क्या जंग छिड़ गई, तो इधर तो कौन लड़ेंगे? बूढ़े लगेंगे, ठीक है। और इधर दोस्तों कौन लड़ेंगे? जवान लड़ेंगे। भाई साहब, चीन को ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि समोसा कौन खाएगा? अगर जवान नहीं होंगे तो समोसा कोई खाने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए चीन कह रहा है कि अब दो की जगह तीन बच्चे कर लो। ये दोस्तों चीन की नई पॉलिसी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जनगणना किस सूची का विषय है? तो नोट करना दोस्तों, संघ सूची का विषय है जनगणना। ये भारत के जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों कितना है भारत में? लगभग 17.5% भारत के अंदर पूरे विश्व की पॉपुलेशन रहती है। जनसंख्या घनत्व दोस्तों भारत का कितना है? 382 है भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी। लिंगानुपात सेक्स रेशो कितना है? तो दोस्तों 943 है भारत का सेक्स रेशो। जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% के आसपास भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है। और जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब थे दोस्तों, 2011 की जनगणना के आयुक्त। कौन से नंबर की थी ये? 15वें नंबर की दोस्तों जनगणना थी। अगला क्वेश्चन इसका दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नोट करना दोस्तों, हमारी जनगणना। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये दोस्तों सन 2011 की जनगणना की थीम थी। सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, कहीं ना कहीं तो दोस्तों ये क्वेश्चन छपने ही वाला है। कौन सा दोस्तों? अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना की थीम क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। चलो कौन बताएगा सन 2021? जो बताएगा ना, समझ लो भाई साहब, उसे पुरस्कार मिलेगा। सन 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है? कौन? सन 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है? कौन कमेंट बॉक्स में छाप के बताएगा? बताओ एक बार, देखूं तो सही किस किस को याद है सन 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है। अब देखिए, नाक में दम सीरीज आपके सामने, करंट अफेयर्स की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 के नाक में दम, केरल में एक स्कूल एक आईएएस योजना। कौन सी दोस्तों? एक स्कूल से एक आईएएस, केरल के अंदर ये योजना स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री दोस्तों इसके पिनरई विजयन है। माली की राजधानी है बोमाको, लिख लो, माली की राजधानी है बोमाको। क्या दोस्तों? बोमाको राजधानी है माली की, बिल्कुल। क्या बात है, विवेक जोशी जो है दोस्तों, ये है सन 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक कुछ याद आए तो बताना। ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 48 में। और जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक है, इसमें दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है। आगे बढ़िएगा, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया। क्या दोस्तों? कमलम नाम कर दिया ड्रैगन फ्रूट का गुजरात ने। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला। और नेल्सन मंडेला का दोस्तों 18 जुलाई को क्या होता है? जन्मदिवस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला हैरिस दोस्तों 49 नंबर की 49 नंबर की क्या बन चुकी है? उपराष्ट्रपति। कब शपथ ली? 20 जनवरी को दोस्तों शपथ ली थी। और लिख लेना, अगर पूछे पहली महिला राष्ट्र उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। कहां की दोस्तों? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। मनीष कुमार को दोस्तों
देश का पहला कोविड 19 का टीका लगा। 16 जनवरी से दोस्तों ये टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ। हावड़ा कालका मेन का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस, याद करो 23 जनवरी दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ मोहंती LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और कुछ याद आया आपको दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी 1956 का अधिनियम, उसके MD और दोस्तों CEO कौन बने हैं, वो बने सिद्धार्थ मोहंती। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, अगर खाना छोड़ा चीन के अंदर तो जुर्माना लगेगा। इसके बाद में आइए भोकाल सीरीज दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कौन थे, पहले तो ये बताओ जो कल भोकाल सीरीज स्टार्ट हुई थी वो आपको कैसी लगी, क्या कैसी लगी? सर मेरे 14 बच्चे, मौज कर दी बेटा, अब बता मुझे कैसी लगी जो कल मैंने भोकाल स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, तुम्हें मजा आया दोस्तों, कुछ सीखने को मिला तो एक बार कमेंट कर दो यार, जिससे मैं इस बार और मेहनत कर सकूं। भारत का पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग दोस्तों, कौन थे, कैनिंग थे पहले वायसराय। 1857 की जो क्रांति है ना दोस्तों वो किसके समय होती है, कैनिंग के समय ही होती है। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर आप पूछे आपसे दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल, वो नोट करना विलियम बेंटिक है। और अगर पूछे आपसे भारत का पहला वायसराय, वो है दोस्तों कैनिंग। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट हुई, कॉर्नवॉलिस के द्वारा दोस्तों स्टार्ट होती है स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इसी का दूसरा नाम है जमींदारी व्यवस्था, कौन सी है, जमींदारी व्यवस्था भी इसी को कहा जाता है। कॉर्नवॉलिस दोस्तों नोट करो, पुलिस का जनक कौन है, कॉर्नवॉलिस। अगर आपसे पूछे सिविल सेवा का जनक कौन है, तो वो भी दोस्तों कॉर्नवॉलिस है। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, 1932, याद करो दोस्तों 1932 में किस किस के बीच में, महात्मा गांधी जी दोस्तों, और साथ में कौन थे, साथ में दोस्तों थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी थे, इनके बीच में कौन सा पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। कहां पर हुआ था, पूना की दोस्तों यरवदा जेल के अंदर हुआ। कौन सा पैक्ट, पूना पैक्ट, किस किस के बीच में हुआ, महात्मा गांधी और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट 1932 में, पूना की जेल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कान के नीचे पड़ेगा सवाल को ढंग से पढ़ ले, मैंने पूछा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों वो है एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों भारतीय कौन है पहली, तो वो ध्यान रखना सरोजिनी नायडू। बुड डिस्पैच किसके शासन काल में आया, तो लिख लो दोस्तों ये आया था डलहौजी के शासन काल में, किसके, डलहौजी के शासन काल में 1854 में दोस्तों बुड डिस्पैच आया। और शायद तुम्हें याद होगा दोस्तों इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्या, इस बुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा गया, 1854 में डलहौजी के टाइम पर आया था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया, आज चलोगे हिमाचल प्रदेश, कहाँ चलोगे, हिमाचल प्रदेश चलोगे। और भाई साहब पहले ही कह रहा हूं लोकेशन देख लेना, हिमाचल प्रदेश की आपके सामने है, कहाँ कहाँ मैं आपको लेने जाना हूं देखिए दोस्तों, आपके सामने देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश है, जहां हम स्टार्ट करेंगे कहां से,
कुल्लू से। कहां से दोस्तों? कुल्लू घूमने चलेंगे। कहां चलेंगे? कुल्लू। कुल्लू में ही दोस्तों मनाली भी देखेंगे। क्या? कुल्लू देख लेंगे, मनाली भी देख लेंगे, फिर दोस्तों शिमला देखेंगे। क्या देखेंगे? शिमला देखेंगे। तो कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला। क्या दोस्तों? धर्मशाला, ये सभी हम आज देखने वाले। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास का और नोट कीजिएगा। सबसे पहले फोटो निकाल देता हूं आपके सामने कुल्लू की। दोस्तों कहां की? कुल्लू की फोटो निकालता हूं। पिछले वाला तो हमने देख ही लिया दोस्तों। आपके सामने सबसे पहली फोटो आती है स्टेडियम। ये स्टेडियम है धर्मशाला का स्टेडियम। कहां दोस्तों? नोट करना, अगर आपसे पूछ ले धर्मशाला स्टेडियम कहां स्थित है तो ये दोस्तों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है धर्मशाला स्टेडियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरे हिमाचल प्रदेश वालों सेब तो खिला दो कम से कम। धर्मशाला दोस्तों लिख लेना, विंटर कैपिटल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो दोस्तों शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और यहीं पर दोस्तों कौन रहते हैं? एक तो सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है? सबसे ऊंचा स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम। और दोस्तों यहां पर कौन रहते हैं? लिख लो, यहां पर रहते हैं दोस्तों दलाई लामा। कौन रहते हैं? दलाई लामा, तिब्बती धर्म गुरु। कौन है? तिब्बती धर्म गुरु है दोस्तों जो यहां पर निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा धर्मशाला स्टेडियम कहां? ओ तेरी कितना सुंदर है। अरे भाई साहब, अरे बहुत सुंदर जगह है। क्या? बहुत सुंदर जगह है। देखता हूं दूसरी फोटो, ये देखो एक बार दोस्तों, ये ऊपर से खींची गई फोटो है किसकी दोस्तों? धर्मशाला स्टेडियम की, जो कि सबसे ऊंचा स्टेडियम है। और दोस्तों यहीं पर नोट करना, कौन? जो दलाई लामा है दोस्तों, जो आपके तिब्बती धर्म गुरु हैं, वो यहीं पर रहते हैं धर्मशाला के अंदर। स्टेडियम में नहीं रहते, धर्मशाला के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है अटल सुरंग, जो कि रोहतांग के अंदर स्थित है। कहां दोस्तों? रोहतांग में स्थित है अटल सुरंग। अब तुम मुझे फटाफट बताओ इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम, सर शादी के बाद जाएंगे, शादी के बाद जाओगे ना, पर शादी किससे करोगे, कैसे करोगे शादी? अरे भाई साहब, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या? पढ़ना पड़ेगा, फिर जाना कुल्लू मनाली। अभी दिखाऊंगा तुम्हें कहां कहां। दोस्तों हिडिंबा माता का मंदिर है। कौन सा? हिडिंबा माता का मंदिर। आओ तुम तो अटल सुरंग की बात करो दोस्तों। पहली बात तो इसका पहले नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? रोहतांग सुरंग। कहां से कहां के बीच में? मनाली से लेह के बीच में ये सुरंग स्थित है। किस किस के बीच में दोस्तों? तो नोट करना, मनाली से लेह के बीच में ये सुरंग स्थित है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ती है दोस्तों रोहतांग सुरंग, जिसका दूसरा नाम है अटल सुरंग। और लिख लेना 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि भाई रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग दोस्तों कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है? मनाली से लेह के बीच में। पुराना नाम क्या था इसका? रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लो, शिमला कौन कौन पुकार रहा था? आ जाओ मैदान में। क्या? आ जाओ मैदान में। ये है दोस्तों शिमला। क्या? स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की राजधानी के अंदर। का हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है शिमला के अंदर। कहां दोस्तों? शिमला के अंदर आप सभी का स्वागत है। और ध्यान रखिएगा, शिमला में ही दोस्तों कालका, लिख लो कालका दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कालका शिमला एक्सप्रेस, ये भी बड़ी फेमस है दोस्तों, है ना। कालका शिमला एक्सप्रेस जो है, ये दोस्तों रास्ता भी कहां पर है? शिमला के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछे आपसे, कि शिमला हिमाचल प्रदेश दोस्तों राजधानी है, शिमला आपके सामने है, ये दोस्तों शिमला का एक रिसोर्ट है। क्या है? रिसोर्ट है। यहां पर तुम रुकना, क्या यहां रुकना, फिर दोस्तों आगे की तरफ बढ़ोगे ना तो ये आपके सामने मंदिर है। क्या है? मंदिर है दोस्तों, जो कि कहां स्थित है? मनाली के अंदर स्थित है। कहां? मनाली में। मंदिर का नाम है
हिडिंबा माता का मंदिर। किसका? हिडिंबा माता। ये जवानी है दीवानी किस किसने देखी है फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। उसमें दोस्तों ये मंदिर दिखाया गया था, ये जवानी है दीवानी फिल्म के अंदर दोस्तों, जब वो शादी कर रही होती है दोस्तों और वहां पर रणवीर कपूर होता है। याद करो, जिसको याद आए छाप दो मनाली दोस्तों। अगर आपसे पूछे हिडिंबा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये दोस्तों मनाली के अंदर स्थित है हिडिंबा माता का मंदिर। आगे अरे ऐसे लिखना है, फोटो नहीं बनाना, ऐसे लिखना है मनाली में हिडिंबा माता का मंदिर बड़ा फेमस है दोस्तों, लिख लीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये लीजिए। तुम बार बार कह रहे थे कि सर कब चलोगे मनाली, देख लो मनाली दोस्तों क्या खूबसूरत जगह है, क्या क्या खूबसूरत जगह है मनाली हिमाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों आपसे अगर पूछ ले यहाँ पर कब जाते हैं, शादी करने के बाद। शादी कब होगी? जब नौकरी लगेगी। क्या? जब नौकरी लगेगी। नौकरी कब लगेगी? जब तुम पढ़ाई करोगे। क्या? जब पढ़ाई करोगे। तो अगर मनाली जाना है घूमने तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या? पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तो दोस्तों जाना फिर कहां पर? हाँ कहीं जाना दोस्तों, मनाली तो नहीं जा पाओगे ना, तो पढ़ाई कर लो, शादी कर लो, फिर दोस्तों मनाली घूमने जाना, ठीक है। तो मनाली अगर आपसे पूछे दोस्तों, रोहतांग दर्रा में आपको पढ़ाई चुका हूं कहां स्थित है, मनाली के अंदर है हिडिंबा माता का मंदिर दोस्तों, ये भी कहां स्थित है मनाली के अंदर है हिडिंबा माता का मंदिर। और अगर आपसे पूछे ये मनाली दोस्तों कहां पर स्थित है, तो कुल्लू के अंदर है। कहां? मनाली जो है दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाली स्थित है। तो तुमने दोस्तों आज तक कुल्लू मनाली ही सुना होगा, है ना? तो कुल्लू मनाली जो है ना दोस्तों, कुल्लू के अंदर स्थित है मनाली। कौन सा? मनाली। तुम कहोगे सर कुल्लू, तो ध्यान रखना कुल्लू के अंदर ही दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कुल्लू जिले के अंदर दोस्तों एक नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और लिख लो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मैंने आपसे कहा था पिनघाटी नेशनल पार्क। कौन सा? पिनघाटी नेशनल पार्क, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक ध्यान रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है? कुल्लू जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है दोस्तों। सन 2014, कब से? सन 2014 से। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करो। क्या? ढंग से नोट करो, मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ढंग से नोट कर लो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सन 2014 में यूनेस्को ने दोस्तों इसको शामिल किया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, और दोस्तों कुल्लू जिले के अंदर स्थित है। कुछ दिनों पहले एक इंडेक्स आया था, कौन कौन मुझे बताएगा? ईज ऑफ, दोस्तों याद करो फटाफट से, कुछ दिनों पहले एक इंडेक्स था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या था? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और मैंने बताया था उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बंगलुरु पहले स्थान पर है। कौन सा? बंगलुरु। और 10 लाख से कम वालों में दोस्तों मैंने कहा था आपसे शिमला पहले स्थान पर है। कौन है? शिमला पहले स्थान पर। और जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आपके सामने, कुल्लू। क्या है दोस्तों? कुल्लू आपके सामने है। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले कुल्लू दोस्तों, अगर आपसे पूछे कुल्लू की बात करूं तो ये कुल्लू किस नदी के किनारे है? देखो ये नदी आपकी बह रही है दोस्तों कुल्लू में, ब्यास नदी। कौन सी है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है कुल्लू। और कुल्लू में ही दोस्तों कौन है? कुल्लू के अंदर ही मनाली। में आपको पढ़ाई चुका हूं कुल्लू की जो घाटी है ना दोस्तों, उसे कहते हैं भगवान की घाटी। क्या? देवों की घाटी कहते हैं कुल्लू की घाटी को। तो नोट करना दोस्तों, जो कुल्लू की जो घाटी है, क्या कुल्लू की जो घाटी है इसे क्या कहा जाता है? तो लिख लो देवताओं की घाटी कहते हैं कुल्लू की घाटी को। क्या? देवताओं की घाटी, कुल्लू की घाटी को दोस्तों कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम लिखना दोस्तों, ब्यास नदी के तट पर है बिजली महादेव का मंदिर। अरे रसगुल्लो नोट करो, बिजली महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बड़ा फेमस मंदिर है जो
कुल्लू के अंदर है, बिजली महादेव का मंदिर। क्या? बिजली महादेव का मंदिर। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, क्या पूछ ले, इसे कुल्लू का ही दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों, देखना कुल्लू को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो लिखिएगा आप सभी दोस्तों, इसको कहते हैं कुलंथ पीठ। क्या बोलते हैं? कुलंथ। आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं किस पेन से लिखूं, इस वाले से लिख देता हूं, कुलंथ पीठ। कौन सा पीठ है? कुलंथ पीठ। जहां रहने वाली दुनिया का अंत होता है उसे कहते हैं कुलंथ पीठ। क्या? कुलंथ पीठ भी दोस्तों कुल्लू को कहते हैं, और इसका मतलब है रहने वाली दुनिया का अंत दोस्तों वो आपके सामने है, कुलंथ पीठ। तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया दोस्तों, मैंने आपको दिखाया एक तो भाई साहब, मैंने आपको आज दिखाया धर्मशाला का स्टेडियम, और दलाई लामा दोस्तों यहीं पर रहते हैं। फिर मैंने अटल सुरंग दिखाई आपको, जिसका नाम रोहतांग सुरंग था दोस्तों, ये मनाली के अंदर है, लेह मनाली को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया शिमला के बारे में दोस्तों, जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। मनाली में दोस्तों हिडिंबा माता का मंदिर दिखाया। फिर मैंने आपको दोस्तों मनाली के बारे में बताया, और आपको आपके सपने के बारे में पढ़ाया। फिर दोस्तों इसके बाद में अगला क्वेश्चन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों, इसके साथ में पिन घाटी नेशनल पार्क, और सन 2014 में यूनेस्को में दोस्तों इसको शामिल किया। इसके बाद हम आए कुल्लू की तरफ दोस्तों, कुल्लू के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ब्यास नदी के तट पर है। इसके साथ में दोस्तों कुल्लू की घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं, और इसी का नाम है कुलंथ पीठ। क्या नाम है? कुलंथ पीठ है, जिसे रहने वाली दुनिया का दोस्तों अंत कहा जाता है, वो है आपके कुल्लू या फिर कुलंथ पीठ। ये सब की सब दोस्तों जो मैंने आपको बताया है ना कहीं देखना है, एग्जाम में आपके सामने टकराएगा। क्या? टकराएगा दोस्तों। और सबसे अधिक तुम्हें बॉलीवुड की फिल्मों में दोस्तों यही दिखाई देता है, कुल्लू मनाली शिमला यही दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, थाकड़ बुक देखिएगा, एक बुक है सगी बहन, ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। सगी बहन किसकी पुस्तक है? डगलस स्टुअर्ट। किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की है। और मैंने आपसे कहा था ये पुस्तक दोस्तों सन 2020 का बुकर पुरस्कार, नोट कर लेना भाई, सिलेक्शन की बात है, ज्ञान तो कोई भी बांट देगा, लड़ाई सिलेक्शन की अब की बार। 2020 का बुकर पुरस्कार दोस्तों किसको मिला, तो ध्यान रखना सगी बहन पुस्तक को मिला, डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। क्या दोस्तों? इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले, बिलीव दोस्तों ये थी सुरेश रैना। किसकी थी? सुरेश रैना की। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, डगलस स्टुअर्ट, सगी बहन दोस्तों, सन 2020 का बुकर पुरस्कार। इसके बाद में कंप्यूटर के प्रश्न देखिएगा, BIOS की फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों BIOS की फुल फॉर्म। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी के द्वारा किया गया। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों, युवा प्रधानमंत्री योजना, शिक्षा मंत्रालय लेखकों को दोस्तों ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, ब्लैक बक की संख्या डबल हो चुकी है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार ये मिला है किसको? कुलदीप सिंह को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला वो बनी है दोस्तों, सांग यिन हंग बनी है। सर यूपी के लिए लिख लो भाई साहब, यूपी के लिए लिख लो, आज शाम को 7 बजे। क्या? आज शाम को 7 बजे 1 जून को दोस्तों यूपी के चैनल के ऊपर, क्या यूपी उत्कर्ष पर आ रहा हूं, क्या यूपी उत्कर्ष पर आ रहा हूं, और ये केवल और केवल दोस्तों सीधा सीधा UPSI और UPSSSPET इन दोनों के लिए आ रहा हूं। क्या? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ज्ञान लेना उद्देश्य नहीं है, सिलेक्शन लेना उद्देश्य है। क्या? सिलेक्शन लेना उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश वालों स्वागत करना आज शाम को 7 बजे यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर दोस्तों, केवल और केवल सीधा टारगेट होगा UPSI और UPSSPET। तैयार रहना, इंतजार करूंगा आप सभी का, है ना। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, अगला है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 दोस्तों, ये
ध्यान रखिएगा आप सभी, नाटो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसिड रेन दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के शेष मैच दोस्तों यूएई के अंदर खेले जाएंगे। मेका धातु परियोजना ये कावेरी और अरकावती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को दोस्तों बनाया जाएगा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन के अंदर दोस्तों स्थित है। कल का सवाल देख लीजिए आप सभी, वो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दोस्तों, ये मिला है ध्यान रखना अमर्त्य सेन। किसको मिला? अमर्त्य सेन को। आज का सवाल है लोअर म्यूजियम दोस्तों, इसके साथ में ये जीएस का क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपके जून वाली बुक है जो आपके सामने। एक रसगुल्लो सूचना है आप सभी के लिए ना, एक आपके लिए सूचना है कि जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्या दोस्तों नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों एक बार जाकर के नीट जेईई जो चैनल है दोस्तों यूट्यूब के ऊपर उत्कर्ष का, क्या उत्कर्ष का जो नीट जेईई का चैनल है, इस पर जाकर देखो दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, धमाका चल रहा है। क्या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो या फिर दोस्तों 11th 12th में मैथ साइंस कर रहे हैं, डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना सपना हो, तो दोस्तों नीट जेईई का चैनल है दोस्तों, वहां पर जाइए और एक बार चेक कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पर फ्री में दोस्तों पढ़ाए जा रहे हैं। ये एक सूचना थी आपके छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाई के लिए या छोटी बहन के लिए। अब आप बताना कैसी क्लास लगी आपको दोस्तों, जो मेहनत मैंने की, मेरी टीम ने जो मेहनत की दोस्तों यहाँ पर आकर इतना सब कुछ दोस्तों एक साथ बताना, उसी जोश के साथ में बताना। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना मेन बात नहीं है, उसको याद करना मेन बात है, कौन सी चीज को कहाँ पर वापस रिवाइज कराना है वो मेन बात है। इस क्लास में आपको ठोक बजा के कह रहा हूं दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको याद रहेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो पढ़ाऊंगा आपको यहीं पर याद करा के छोड़ूंगा, वापस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी मजबूत करना, अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। थोड़ा वैक्सीन लगवाऊंगा इसलिए हो सकता है दोस्तों थोड़ी नीचे जाए रसगुल्ला एनर्जी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल सीमा राव, धर्मेंद्र, प्रियंक, मुकेश, आर्यन, राहुल, सभी का स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो कुमार गौरव है, वरना दोस्तों कुछ नहीं है ना। अपना प्यार बनाए रखिएगा, मैं फिर कोशिश करूंगा कुछ और बेहतर करने की आपके सामने, पर तुम्हारा प्यार मेरे साथ होना चाहिए। तुम्हारे लिए अंत में एक लाइन कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि तो उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स।